हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब जानते हैं कि होली आने वाली है, तो मैं आज आप सबके साथ पापड़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है मैदे का पापड़, तो चलिए बनाते हैं मैदे का पापड़। ये देखिए, मैंने तकरीबन एक कटोरी सूजी ले ली है। आपके यहाँ पे जो मेजर करने वाली कटोरी हो आप उसी से लें। एंड ये मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लिया है, रूम टेम्परेचर का पानी है, ये फ्रिज का भी पानी नहीं है। एंड मैं इसे अच्छे से विक्स कर लूँगी, यानी ऐसा घोल जैसा बना लूँगी। एंड ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फेट करके रख लिया हुआ है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल दे रही हूँ। एंड ये मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल दे रही हूँ। एंड अगर आपको पापड़ वाइट रखने हैं तो आप लाल मिर्च स्किप करें, नहीं तो मुझे थोड़ा सा रेड पसंद है, तो मैं थोड़ा सा रेड चिली इसमें डाल रही हूँ। एंड ये नमक मैंने इसमें डाल दिया। आपको जिस कलर के पापड़ चाहिए आप उस कलर का फूड कलर पानी में ऐड करेंगे तो उस कलर का आपका पापड़ बनके रेडी होगा। ये मैंने इसमें कुछ ऑयल भी डाला हुआ है। एंड ये इसे लगातार हिलाते हुए मैं इसे मैदे का घोल ऐसे एक तार में इसमें पोर कर दूंगी। एंड ये आपको इसे हिलाते रहना है कंटिन्यूसली, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। मेरे घोल में कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं इसे बराबर चला रही थी। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से तेज़ी से मैंने इसे चलाते रहा, तो मेरे पापड़ में एक भी गुठलियाँ नहीं पड़ी थी। ये देखिए, आपको बिल्कुल इस तरीके से इसे चलाते रहना है। एक कटोरी मैदे में 6 कटोरी पानी लगभग जितना आपको डालना है, तो आप जिस कटोरी से मैदा लें उसी से 6 कटोरी पानी नाप करके डालें। एंड ये देखिए, अब घोल हमारा थोड़ा थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल इजी मेथड है आपको पापड़ बनाने का। अब आप देख सकते हैं कि हमारा घोल हल्का हल्का सा गाढ़ा होना सा शुरू हो गया है। ये देखिए, मेरे बैटर में कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़ी हुई हैं। एंड ये देखिए, मैं इसे अच्छे से फेट ले रही हूँ और ये अच्छी थिकनेस में आ गया है। एंड ये कैसे रेडी हुआ है, इसके लिए आप इसे एक स्पून में उठाकर देखें, बिल्कुल इस तरीके से ये बिल्कुल चिकना सा आपको दिखेगा एंड शाइनी सा दिखेगा। तो ये हमारा हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी एंड इसे ठंडा होने दूँगी, क्योंकि ये पॉलीथीन पर डाला जाता है, उससे आसानी से ये निकल जाता है। एंड अगर ठंडा होने से पहले आप डाल देंगे तो पॉलीथीन हमारी पिघल के फट जाएगी। एंड ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको चम्मच में लेकर इस तरीके से आपको फैला देना है, पतला सा, बिल्कुल राउंड राउंड। बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं फैलाना है, क्योंकि ये सूखने पर और भी पतला हो जाता है, तो हल्का सा मोटा ही रखें। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से मैं इसे फैला ले रही हूँ धूप में, और इसके लिए कड़ी धूप चाहिए, तो इसे आप छत पर फैलाएँ। पंखे में कई बार ये फटने का भी डर रहता है। ये देखिए, मैं इसे इस तरीके से फैला के बना ले रही हूँ। मैंने इस तरीके से सारे पापड़ को फैला लिया है। ये देख रहे हैं कितनी आसानी से ये फैल जा रहा है, मुझे बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ये देखिए, मैंने अपने सारे पापड़ बना के रेडी कर लिए हैं। ये आपको मैं दिखा दूँ, बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी है हमारे मैदे के पापड़। एंड ये कटोरी में मैंने इतने सारे पापड़ बनाए हैं। एंड ये देखिए, हमारे पापड़ ड्राई होना भी शुरू हो गए। मैं इसे पलट दूँगी अच्छे से, मैं इसे आगे पीछे से सुखा लूँगी। देखिए, सूखने के बाद कितने अच्छे से ये निकल जा रहे हैं, आसानी से पॉलीथीन को छोड़ दे रहे हैं। आप इसे कपड़े पे न डालें, क्योंकि कपड़े पे ये पापड़ ख़राब हो जाएंगे। आप इसे पॉलीथीन पे डालें। मैंने सारे पापड़ को पलट लिया है। एंड ये देखिए, हमारे पापड़ सूख के एकदम रेडी हो गए हैं, बिल्कुल इस तरीके से। एंड चलिए, मैं इसे आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला हुआ है। मैं खाने में तेल बहुत कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैं ऑयल को कम ही डालती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं इसे एक चिमटे की हेल्प से इसे तल लूँगी। पापड़ में तेल काफ़ी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए मैं इसे चिमटे से ही तलती हूँ, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल नीचे गिर जाता है। ये देखिए, इतने अच्छे से हमारे पापड़ बनके रेडी हुए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी से। ये देखिए, एक कटोरी मैदे में आप इतने सारे पापड़ बना सकते हैं। ये हमारे पापड़ बनके रेडी हैं। तो ये लीजिए, बनके तैयार है हमारे मैदे के पापड़। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करेगा एंड आई एम श्योर कि आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगा। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब